नमस्कार दोस्तों, छठे अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुभकामनाएं। अगर आप 15-20 मिनट भी रोज आसन प्राणायाम इनको देते हैं तो निश्चित रूप से शरीर में ऊर्जा की प्राप्ति होती है और जो समय हम अन्य काम में या आलस्य में या अन्य चीजों में जाया होता है वो अगर आप 20 मिनट इधर देंगे तो दूसरे काम भी अच्छे तरीके से होंगे। तो आज हम पहले खड़े होकर किए जाने वाले आसन करेंगे, इसमें सबसे पहले है सूर्य नमस्कार। आपको रोजाना 5 बार सूर्य नमस्कार अवश्य करना चाहिए। जरूरी नहीं है कि सूर्य सामने हो, कई बार ऐसी स्थिति होती है कि सूर्य सामने नहीं होता, घरों में ऐसी स्थिति नहीं हो पाती, तो आप अपने कमरे में कहीं भी कर सकते हैं। ये अपने आप में इसमें 12 आसन है जो आपके सभी अंगों का व्यायाम करा देते हैं। तो शुरू करते हैं सूर्य नमस्कार। श्वास अंदर लेना है, जितना आराम से झुक सकते हैं उतना आप झुके और एक बार इसे आपको 5 बार तो कम से कम करें। 2 मिनट में हो जाता है ये 5 बार। श्वास जहां आगे झुका जाता है वहां श्वास निकाला जाएगा, जहां पीछे झुकते हैं वहां श्वास अंदर लेना है। एक बार पुनः कर लेते हैं। ये एक नंबर स्थिति, श्वास अंदर लेके पीछे झुके आगे झुके और कोशिश करें कि जमीन पे हथेलियां स्पर्श हो सकता है आपके, पहले यूं हाथ लगे फिर धीरे धीरे हो जाएगा और पीछे सामने देखें, अपनी नाभि को देखने का प्रयास करें। साष्टांग प्रणाम, श्वास लेते सामने और पुनः वही पोजिशन, आपकी बार पैर चेंज हो जाएगा दूसरे वाला और वही पोजिशन। इसमें 6 विभिन्न प्रकार के जो व्यायाम है वो किए जाते हैं। अगला और करेंगे अभी हम। अब इसके बाद आप ताड़ासन करें। श्वास अंदर लिया और ऐसे अपने पांव को ऊपर करें, थोड़ा रुके 30-40 सेकेंड श्वास को रोक के रखें। उसके बाद में ताड़ासन पार्ट 2, ये फिर आप हाथों से भी दाएं बाएं घूमने वाला पांव को थोड़ा खोल के रखें, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, इस तरह से आप इसे 8-10 बार इसे करें। अब थोड़ा जंपिंग से जुड़े हुए वार्म अप के लिए लगभग 100 बार या 60 सेकेंड आप इसे कर सकते हैं। ये तो सारे कंटिन्यू करें आप, ताकि इससे क्या है 5 मिनट में जो है आपके एक्सरसाइज हो जाएगी। फिर इस तरह से जंपिंग, फिर थोड़ा और तेज, और फिर ये जो है 10-10 बार इस तरह से आपको करना है।
21 जून तो वैसे भी सबसे गर्म दिन होता है, सबसे बड़ा दिन होता है और गर्मी भी खूब है, पर फिर भी आप कुछ वार्म अप जरूर करें। इसके बाद आप दोनों पाँव खुला करके और दाएं बाएं दाएं बाएं ये भी आप जो है कीजिए, और कुछ और एक्सरसाइज जो है हम आप पाँव के कर सकते हैं, जैसे ये इस तरह से, फिर दूसरा हाथ वो पाँव वो हाथ, कुछ और आसन भी जो है ये ला सकते हैं। तो ये कुछ वार्म अप के लिए। तो ये सब करने के बाद में आप प्राणायाम करेंगे तो आप ज्यादा श्वास ले पाएंगे। हम अगर सीधे बैठ जाते हैं प्राणायाम करने तो फिर एक तो आलस भी आता है और पूरे फेफड़े जो है पूरा श्वास खींच नहीं पाते, तो इसलिए थोड़ा सा शरीर को वार्म अप करके उसके बाद में आप करें। कुछ पाँव की और हाथों की थोड़ी एक्सरसाइज और कर लेते हैं, जैसे आप ये इस तरह से कदम ताल की तरह से भी कर सकते हैं। हाथों के लिए ये भी, कंधों के लिए, हाथों के लिए अच्छी एक्सरसाइज है। पांव पर जो है आप इस तरह से, पांव के लिए भी आप अलग अलग जो है, अगर अच्छा अभ्यास है तो आप फिर बैठ भी सकते हैं इस तरह से। अब हम करेंगे प्राणायाम। दोस्तों प्राणायाम शुरू करने से पहले आप चाहो तो थोड़ा सूक्ष्म व्यायाम कर सकते हैं या बीच में भी कर सकते हैं, जिसमें एक तो ये आ जाता है बटरफ्लाई, दोनों पाँव को ऐसे जो है पास में करके, और कोशिश करें कि आपके जो घुटने हैं वो जमीन को स्पर्श हो, टच हो। ये थोड़ा ये करके अगर आप प्राणायाम शुरू करते हैं तो निश्चित रूप से प्राणायाम करने का आपका मन भी करेगा, और कंधों की एक्सरसाइज है इस तरह से आगे फिर इस तरह से पीछे, और हाथों को इस तरह से आगे पीछे, ठीक है, थोड़ा इस तरह से, तो ये सब जो है जरूरी है। अब प्राणायाम जो है उसमें पहला प्राणायाम है श्वास लेना, जिसे कहते हैं भस्त्रिका प्राणायाम, श्वास लेना और छोड़ना। गर्मी काफी ज्यादा है, इसमें आप या तो जैसे सुखासन यानी आराम से आलती फालती, या फिर अर्ध पद्मासन में बैठ सकते हैं, या फिर पद्मासन, हालांकि पद्मासन थोड़ा टफ रहेगा, जो लगा सकते हैं वो लगाएं, इससे भी आपके पाँव का दर्द, घुटनों का दर्द वो वगैरह कुछ नहीं रहेगा। और हाथों को प्रयास करें कोहनियाँ सीधी रहें, और अगर थोड़े थक जाएं तो कोहनियाँ मोड़ भी सकते हैं, कमर सीधी रहनी चाहिए, कमर जो है वो। तो पहला जो प्राणायाम है इसको आपको 5 मिनट 3 मिनट 5 मिनट करना है। आप अपने मोबाइल में टाइमर जो है वो लगाएं, या ऐप लोड कर लें टाइमर, उसमें आप टाइम सेट कर दें 3 मिनट या 5 मिनट, जैसे वो हो जाएगा आपके पास वो अलार्म सा बजना लगेगा, तो आपको पता लग जाएगा, आप आराम से आंखें बंद करके 3 मिनट 2 मिनट या 5 मिनट नॉन स्टॉप करें। अब हम मोबाइल चला रहे हैं, साथ में न्यूज देख रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, या टीवी देख रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो वो
उतना कारगर नहीं हो पाएगा। हालांकि श्वास तो ले रहे हैं, मगर एक तो उसमें तारतम्यता नहीं है, रिदम नहीं है, और एक जैसे एकाग्रता नहीं है हमारी श्वास के ऊपर, मन के ऊपर, तो वो आनंद नहीं आएगा। अगर आप एक मिनट भी अभी मेरे साथ आप आंखें बंद कीजिए और एक मिनट जो है श्वास कीजिए लगातार, एक मिनट में आप लगभग 5-7 बार श्वास लेंगे, लीजिए। इस तरह से या तो आप गिन के 50 बार ले लीजिए, जैसे 15 बार, फिर 15 बार, फिर 15 बार, 3-3 बार, 15-15-15, या फिर 5 मिनट 3 मिनट ऐसे, मगर कंटिन्यू कीजिए, आनंद आएगा। उसके बाद कपालभाति है, तो हम ज्यादा नहीं करेंगे, एक मिनट हम जो है केवल डेमो के रूप में। कपालभाति के लिए श्वास को बाहर निकाला जाता है, यानी पेट अंदर जाएगा, श्वास बाहर आएगा। लेना कैसे है? लेना नहीं है, अपने आप आएगा। लेना चला के प्रयास करके नहीं लेना, ऐसे नहीं लेना, जैसे बाहर निकालेंगे अपने आप वापस कवर हो जाएगा, तो हमें प्रयास केवल बाहर निकालने का करना है। जैसे सामान्यतः मान लीजिए नाक में कोई मच्छर चला जाता है, तो हम अचानक कैसे करते हैं, ऐसे करते हैं ना, तो बस वही, तो इसको बार बार करना है। तो ये बहुत शानदार जो है एक्सरसाइज है पेट की। देखो इसके लाभ तो बाबा रामदेव जी खूब बताते हैं, हर जगह लाभ लिखे हुए अखबारों में आ रहे हैं। अब लाभ केवल पढ़ने से नहीं होगा, अब हजारों लाभ बता दूं, करने से होगा इसका लाभ। तो आप जो है चलो शुरू करते हैं, 100 बार नॉन स्टॉप। सोबार करने के बाद में जो एक मानसिक ताजगी और शांति मिलती है, उसे आप केवल करके ही अनुभव कर सकते हैं। तो सोबार लगभग 60 सेकंड या 80 सेकंड में या 100 सेकंड में हो जाता है, तो 5 मिनट में आप इसे 300 बार या 400 बार या तो गिन के कर लो, या फिर 5 मिनट का टाइमर लगा दो, या फिर वाच सामने रखो, और जैसे मान लीजिए आप 7 बजे शुरू किया, तो 7-5 ये किया, फिर 5-10 कपालभाति किया, फिर 5 मिनट बीच में ब्रेक ले लिया जिसमें सूक्ष्म व्यायाम कर लिए, फिर 5 मिनट अनुलोम विलोम कर लिया, तो इस तरह की आप जो है ना वो रखें। और 5 बार फिर ओम बोलना है, 5 बार जो है वो बराबरी। तो अब इसमें हम करेंगे अनुलोम विलोम। इसके लिए आपको राइट हैंड ऊपर करना है और एक नासिका जो दाई नासिका है राइट वाली जो हाथ साइड वाली, उसको बंद करना है और एक से श्वास लेना है। फिर जिसे श्वास लिया उसके सामने वाले से छोड़ना है, जिसे छोड़ा उसे वापस लेना है और दूसरे से छोड़ना है, यानी इससे लो इससे छोड़ो, इससे लो इससे छोड़ो। तो एक बार से छोड़ेंगे लेंगे, छोड़ेंगे लेंगे, ये अल्टरनेट यानी अनुलोम विलोम। तो शुरू कीजिए, समझ में आ गया होगा, पूरा लेना है फेफड़ों में, फिर इस तरह से हाथ यू नहीं रखना है, क्योंकि फिर ऑक्सीजन जो है कार्बन डाइऑक्साइड वो हाथ में इकट्ठी होती रहेगी, यानी शुद्ध नहीं मिल पाएगी। हाथ को या तो यू रखें या सामने यू रखें, नाक के आगे नहीं देना है नीचे, ठीक है। तो इस तरह से आप जो है करें। अब इसको हम सिर्फ 5 बार करेंगे, आंखें बंद करके आप कीजिए।
आंखों के ऊपर ये तीन अंगुलियां रख के, एक अंगुली यहाँ पे कानों से अंगूठों को बंद करके और श्वास लेके और ओम बोलना है। ओम में होंठ बंद रखने हैं इस तरह से, और इसके बाद जो है आपको इस तरह से यानी ओ उ म, ये तीन ध्वनि आपको बोलनी है इसमें। तो ये आपको जो है पांच प्राणायाम रोज 5-5 मिनट करना है, 5 बार सूर्य नमस्कार। तो आपको कैसा लगा क्या आप करते हैं कमेंट कर।